वेलकम बैक एंड आई एम सुप्रिया फॉर द न्यू वन. सो आज मैंने ट्राई किया है मोनोक्रोमेटिक लुक एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे ब्लश टोन बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक आई एम पिंकिश मेकअप फैन एंड अ मोनोक्रोमेटिक ब्लश मोमेंट. मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है मेरे चैनल पे एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग लाइक दिस, लाइक क्रिएटिंग समथिंग न्यू विच आई have never done. So if you like, make sure to give it a thumbs up and also let me know in the comment section below so I can do it more. But without any further ado, let's get into the makeup and see how I have created this look. मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट फील होता है फेस पे और अच्छा भी है, स्मेल्स गुड. पहले स्किन को प्रेप कर लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ मेकअप. आई एम यूजिंग दिस इनसाइड मेकअप एसेंशियल 3-in-1 प्राइमर प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर लगाया है बट इसमें भी है और अभी मेरे पास फिलहाल कोई दूसरा प्राइमर नहीं है तो हम यही यूज़ करेंगे. थोड़ा सा रब कर लेंगे फिंगर्स पर. पोर्स वाले एरिया में लगा लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकअप. आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 330 टॉफी. ज़्यादा नहीं लेंगे, बस एक ड्रॉप या जो बोलो वो. पहले ठीक से स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड ब्लेंड करते टाइम प्रॉब्लम ना हो. जितना अच्छे से स्प्रेड करोगे उतना ही इजीली ब्लेंड करने में आसानी होगी. ब्लेंड करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि कोई क्रैक्स नहीं आया है या फिर कहीं रह नहीं गया, फिर वो अच्छा नहीं दिखता. दैट्स इट, हो गया अच्छे से ब्लेंड. तो ये मोनोक्रोमेटिक लुक के लिए मैंने पिंक कलर चूज़ किया, इसके लिए मैंने पिंक आउटफिट पहना है. शायद टाइटल देख के समझ गया होगा और ऑफ कोर्स मेरा आउटफिट देख के भी हो गया ये. आई एम गोना यूज दिस नायका क्रीम कॉन्टोर एंड कंसीलर पैलेट. थोड़ा सा मैं ये वाला ले रही हूँ, थोड़ा सा आई लिड के ऊपर और नीचे. पहले फिंगर से स्प्रेड कर लेंगे. और मैंने जो यूज़ किया था ब्यूटी ब्लेंडर उससे ही ब्लेंड कर देंगे अच्छे से. ऑलवेज मेक श्योर कि अच्छे से ब्लेंड हो, नहीं तो केक ही लगता है फिर मेकअप. जितना एक्स्ट्रा हुआ है वो मैं थोड़ा नीचे भी ब्लेंड कर दूँगी. डन. नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस ब्लश फ्रॉम शुगर
01 कोरल क्लाइमैक्स, ये वाला शेड है। तो हम थोड़ा सा लगा लेंगे एंड वी विल ब्लेंड दिस, फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे इसको। लाइट रखेंगे ताकि अगर किसी को पसंद आए तो वो एवरीडे मेकअप लुक में भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये सब लुक्स आजकल बहुत ट्रेंडी है एंड खासकर हॉलीवुड में। नाउ वी गोना मूव टू आई शेडो। फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी पैलेट, मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। ऑलवेज मेक श्योर कि पहले आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसको एक जगह पे सेटल कर लो और फिर ब्लेंड करो, तो सब जगह अच्छे से स्प्रेड होता है वो एंड अच्छे से ब्लेंड होता है। एंड ऑल्सो सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग फ्रॉम दिस लॉन्ग, मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अभी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। नाउ आई विल चूज अनदर शेड यही पैलेट से, ये शिमर वाला पिंक, टू गिव दिस अ लिटिल शाइन कॉर्नर पे एंड थोड़ा ऊपर, सेम दिस साइड। So we are done with eyeshadow. Now I'm gonna use this Lakme Absolute Lash Definer Mascara. मैंने पहले कभी use नहीं किया, let's see कैसा volume देता है। As you can see मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया, difference I liked it. मैं बस ऊपर के लैशेस में लगा रही हूँ, मुझे नीचे के लैशेस में लगाना पसंद नहीं है, बट इफ़ यू वांट तो आप लगा सकते हो। नाउ फॉर आईब्रो आई एम यूजिंग दिस लॉरियल ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट 01 मीडियम टू डार्क, ये वाला शेड ले रही हूँ। मेरा आईब्रो का कलर ब्लैक है एंड ये थोड़ा सा डार्क है एंड हमेशा आईब्रो के लिए डार्क कलर अच्छा रहता है क्योंकि नेचुरल लगता है। तो इसी की ब्रश से मैं पहले लाइंस बना लूँगी। Now I'm just gonna use this backside brush eyebrow का and brush कर लूँगी to give it a natural look. Eyebrow कभी over भी नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा दिखता है। So eyebrows done. नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटिंग पाउडर इन द शेड प्रीशियस पेटल्स। ये हाइलाइटर मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा। एंड लास्ट आई एम गोना यूज दिस शुगर का ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक 09 द पीच पॉइस, है मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। जिन लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता रहेगा कि ये लिपस्टिक कितना पसंद है मुझे, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ। तो और ये वाले लुक के साथ जाएगा भी, तो आई एम गोना यूज दिस वन ओनली।
अगर आप लोग को ग्लॉसी लुक चाहिए तो आप ग्लॉस पे लगा सकते हो, क्योंकि हमने आई शेडो में शिमर ऐड किया था, बट आई विल लाइक टू कीप इट सिंपल। दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने कभी मोनोक्रोमेटिक लुक अपने चैनल पर पोस्ट किया नहीं था और मुझे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था, इसके लिए मैंने आज ये लुक ट्राई किया है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बता देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।